ਕਰਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਤ ਅਕਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਸੁਰਗ ਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਰਗ ਸਰਤਾ ਬੰਨਾ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ
सगल को देगा तू तारे
पैदाइश तू किया। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार, जिन को पाई बेदनी जिन को पाई बेदनी सोई कर दर्शा कट कट मालक दिलांगा ऐसे गुरु को बल बल जाइए
ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਜਗ ਕੋ Thank you.
जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीते तैसा पन सिख को एक शब्द सिखाए। कहते एक गुरसिख को गुरबाणी का कोई शब्द सिखा दे इन्ना फल मिलता है जिन्ना सौ मंदिर सोने का बना के किसी ने दान किया हो। गुरु के वजीरा ने ग्रंथी साहबाना ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के अनेक शब्द श्रवण करवाए। बहुत वड्डा पुन्न है किसी ने एक शब्द भी सुना देना। जैसे बीस बार दर्शन साध की आता हूं जिहो जे कमाई वाले साधु दे भी बारी दर्शन कर लो तैसा फल सिख को चाप पग सवाएगा। जिहो जी एक गुरसिख की मुठी चाबी कर दिती सेवा कर दिती जिहो जिहा भी बारी किसी कमाई वाले साधु के दर्शन कर ले भाई साहब जी कहते फल एक बराबर है। सो इस करके आप गुरु जी के चरणों में सेवा की जात सीखने लई आए हैं। गुरु साहब जी के नेड़े किवें होया जावे साडा जीवन सफला किवें हो सकदा असी सच्चार किवें हो सकदे हां। गुरबाणी दीआं पहलियां जदों पंगतियां जप्पी साहब दीआं पढ़दे आ ना ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी वचन करदे पर कहिंदे ने किव सच्चारा होई है किव कूड़ा टुटा पा। आ जिहड़ा सवाल है ना इहदे दुआले सारी गुरबाणी का सार है। इस सवाल का जवाब है सारी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। सवाल की है कि सच्चार किवें होया जा सकता है कूड़ की कंध किवें टुट सकती है किव कूड़ा टुटा पाल पाल की ये कंध किवें टुट सकती है। हुण एक पंक्ति विच सवाल किया अगली पंक्ति में सतगुरु जी जवाब दे रहे हैं। महाराज कहते हैं कि कूड़ की कंध जो टुट सकती है इको ही तरीका है हुक्म रजाई चलना। हुक्म दे विच रजा दे विच चलना केड़ा हुक्म केड़ी रजा नानक लिखिया नाल जिहड़ा हुक्म परमात्मा ने तेरे नाल लिखिया मस्तक लिखिया लेख पुरब कमाया जी। जिवें गुरु नानक देव पातशाह जी श्री राग दे विच वचन करदे हन जैसी कलम मूड़ी है मस्तक तैसी जीअड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहर हुक्म पाया कर पास। इस करके सच्चार होया जा सकता है उहदी रजा विच चल के उहदे पाणी विच रह के। भाई साहब जी दस रहे सी ना वी शहीदां दे स्थान जिन्हां ते आपां बैठे आ शहीद दे अर्थ की है। हुण शहीद दा लोकी उहनां नूं वी मन्नी बैठे जिहड़े पिंड च खेतां वट्टां विच लड़के मर गए मड़ी बना मड़ी बन गई ते इह साडे शहीद नहीं। वट्टां विच लड़के मरन वाला शहीद नहीं हुंदा। शहीद कौन होंगे शहीद के अर्थ की ने शहीद कहते हैं गवाह। शहीद का अर्थ है गवाह। मैं थोड़ी जी प्रॉब्लम आती सैड के बैठे हो मैं हम गल जो सामने हो थोड़ा जहा